टोनी, कैप एंड थॉर, अगर आप इन तीनों के कट्टर फैन हो ना तो ये छोटी सी वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं नहीं मानता। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इन तीनों ने एक दूसरे से क्या क्या सीखा है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करके रखना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो शुरुआत करते हैं अपने टोनी भैया से। ये टोनी स्टार्क बहुत ही स्मार्ट है। दी एवेंजर्स के इस वाले फाइट सीन में जब टोनी एंड थॉर एक दूसरे के साथ भिड़ रहे होते हैं और ये लोकी पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट ले रहा था, तो फाइट जब चल रही होती है तो थॉर अपने हथौड़े को कई बार अपने पास बुलाता है। और फिर टोनी ने ये सोचा कि ये टेक्नोलॉजी तो मेरे सूट में भी होनी चाहिए, तो उसने आयरन मैन 3 में ये वाला अपग्रेड किया भी था जो कि थॉर से इंस्पायर्ड था। क्या ये डिटेल आपको पता था? नहीं। अब आ जाते हैं कैप्टन अमेरिका पे। अब वैसे तो लोग इनसे सीख के जाते हैं, लेकिन इन्होंने टोनी भैया से बहुत कुछ सीखा है, जैसे गालियाँ। याद है ना सालो, कोई गाली मत देना। हाथ धो के पीछे पड़ गया, थोड़ा मैला है पर चल जाएगा। साले हमारी याद आई गई। ओ, तो तुम्हारे मुंह से भी फूल झड़ने लगे। एंड कैप्टन ने टोनी से ये भी सीखा है कि अपने पर्सनल लाइफ को भी टाइम देना चाहिए, थोड़ा खुल के जीना चाहिए यार। इसलिए तो कैप्टन ने ये डिसाइड किया कि मैं पेगी के साथ अपनी बची कुची जिंदगी स्पेंड करूंगा, और यही बात टोनी ने उसे बहुत बार समझाई थी। इसका कुछ मजा भी लेना चाहिए जैसे टोनी कहता था। बात करें थॉर की, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये बंदा जो पहले इतना सीरियस रहता था वो कुछ सालों बाद इतना कॉमेडी और फनी हो गया, जो कि भैया अपने टोनी स्टार्क की देन है। थॉर एंड टोनी जब एक साथ रहते थे तो टोनी ने थॉर के सामने इतने जोक्स मारे कि थॉर एक जोकर बन गया। मतलब जोक मारने वाला यार, चिड़ा नहीं रहा हूँ। ये तो कुछ भी नहीं था दोस्तों, मैं मार्वल फैंस के लिए ऐसे यूनिक कंटेंट वीडियोस छोटी छोटी दो दो दिन में लाने वाला हूँ, तो साथ में रहना प्लीज। और कमेंट में अपना फेवरेट कैरेक्टर पटक देना।